बाबा यानी कि संजू बाबा यानी कि अपने संजय दत्त लंबे अरसे के बाद जल्द ही कमबैक करने वाले हैं। जी हाँ, मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई के लंबे गैप के बाद अब मेकर्स ने इस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म का ऐलान भी जल्द ही करने की तैयारी में है। हालांकि तकरीबन 14 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब तक मेकर्स ने सबकी फेवरेट जोड़ी को एक साथ स्क्रीन पर नहीं उतार सके थे, लेकिन फैंस का ये इंतजार अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। दरअसल हालिया के एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने कंफर्म करते हुए कहा कि वो वाकई में मुन्ना भाई बनाना चाहते हैं। काफी दिनों से वो कुछ फन फिल्में बनाना चाह रहे हैं, पिछले काफी समय से मुन्ना भाई पर काम भी करना चाहते हैं। अब फाइनली उनके पास ऐसा कुछ है जो वो करना चाहते हैं। कंफर्म करते हुए विनु विनोद ने कहा कि मुन्ना भाई 3 में संजय दत्त ही होंगे और उम्मीद भी है कि इसमें सभी पुराने क्रू मौजूद रहेंगे। फिल्म पर काम 10 फरवरी से शुरू होगा। अब मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी को एक बार फिर स्क्रीन पर धमाल मचाते देखने की एक्साइटमेंट फैंस में जाग चुकी है। हालांकि फिल्म में कौन होंगे कौन नहीं इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बता दें, मुन्ना भाई सीरीज की दोनों फिल्म हिट रही है। पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS साल 2003 में आई थी, वहीं लगे रहो मुन्ना भाई साल 2006 में रिलीज हुई थी। उस वक्त मुन्ना भाई MBBS ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ की कमाई की थी और फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई ने अप्रोक्स 74 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में संजय दत्त ने फिल्म प्रस्थानम और पानीपत में नजर आ चुके हैं। इसके साथ ही वो फिल्म शमशेरा, सड़क 2 और भुज में नजर आने वाले हैं। For latest Bollywood news, gossips, reviews and celebrity news, subscribe to our channel Bollywood Lifetimes.